क्या है इतना बड़ा बॉक्स, इतना हैवी भी कहाँ से मंगाया? रुको रुको रुको, मैंने बर्गर ऐसा नहीं किया इतना बड़ा। ये बॉक्स में क्या है पता है, कुछ आइडिया है? नहीं। वो एड्रेस वो एड्रेस वो एड्रेस क्यों दिखाता? हाँ ये बॉक्स का बारे में घर में, फिर एड्रेस दिखाता। ये बॉक्स का बारे में घर में किसी को भी नहीं पता है, सिर्फ मेरे को पता है इसके अंदर है क्या। क्या है पर? कुछ कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आ जाओ जाओ, इधर एक काम करो, इधर रखो, टेबल में रखो। हाँ, सैनिटाइजेशन फर्स्ट। अब करेंगे मिस्ट्री बॉक्स की अनबॉक्सिंग। सीधर लो, सीधर। रिकॉर्ड मत करो, नर्वसनेस होता है। ए, पहले पूरा खोलो। क्या है के? निकालो, थोड़ा आराम से निकालो। स्टेरिंग BMW का है मेरा। ये है नीतो का ड्राइव प्रो V16। ऑफ रोडिंग करेंगे अभी हम लोग भी। तो ये है ड्राइव प्रो V16 नीतो का, जो कि कंपैटिबल है PS4, PS3 और PC और साथ ही साथ Xbox One के साथ में। प्ले हार्ड www.nitro.com। खुल गया। पहला चीज हमें क्या देखने मिल जा रहा है, ये है एक्सेलेरेटर और ब्रेक पैडल्स। अभी हम भी लंबोर्गिनी चलाएंगे। मेन कंसोल और ये क्लैंप। हाँ वो है क्लैंप, दो क्लैंप मिलता है साथ में, तो मिलता है तीन चीज। और इसके अलावा कुछ और, पेपर मैनुअल, पेपर वर्क और ये छोटा सा चार्जर। तो गाइस हमने इसकी अनपैकिंग कर दी है और ये तीन आइटम यहाँ पड़े हुए हैं और इसके बारे में इसको कोई आइडिया नहीं है। तो मैं बताता हूँ, ये है नीतो का V16 Pro और ये जो इसका स्टीयरिंग है, बहुत ही बिल्ड इसका बहुत ही मस्त, एकदम रबर ग्रिप मिलता है साथ में। यहाँ कीस मिल जाते हैं आपको, XO बॉक्स ट्रायंगल जैसे आपको PS में मिलते हैं। देन आपको मिलता है यहाँ गियर शिफ्टर्स, यहाँ पर दोनों तरफ गियर शिफ्टर मिल जाएंगे। और ये है मैनुअल गियर शिफ्टर, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिवर्स का ऑप्शन भी, और साथ ही साथ ये साइड पे आपको मतलब कीबोर्ड वगैरह का इस्तेमाल करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे कीस, ये आपके L कीस, L1, L2, L3, R1, R2, R3। और बेस्ट पार्ट इसका, आपको मिल जाएगा इसमें सेंसिटिविटी एडजस्टर, अब इसे स्विच कर सकते हैं। हम ये भी दिखाएंगे कितना सेंसिटिव मोड में ये काम करता है। प्लस ये आपको मिल जाता है पैड्स, क्या पैड्स, एक्सेलेटर और ब्रेक का। ये क्लैंप्स, ये क्लैंप्स जो है इसे एडजस्ट करने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसे उठाओ, इसके नीचे मिल जाएगा आप लोगों सक्शन कप्स, बट ये फुली एडजस्ट टेबल नहीं है। तो आपको अगर आप ये क्लैंप्स के साथ अगर इसे लगाएंगे तो ये बहुत ही मस्त काम करेगा। तो हम इसे फुल सेटअप करके दिखाते हैं। गाइस हमारा यहाँ फुल सेटअप हो गया है,
हमने यहाँ लैपटॉप को HDMI के थ्रू टीवी में कनेक्ट कर दिया और हम आज खेल रहे हैं वही ट्रेवर को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले गाड़ी ले लो। शेड में जाओ। गोली चला रहा है। ये वो दोस्त है, शेड में जाओ। मेरा दोस्त इतना मछली गाड़ी चला रहे। जिंदगी में गाड़ी चला है कभी? ड्रिफ्ट करेंगे। गया गाड़ी। लेफ्ट राइट करते हुए वहां पे भी राइट हो रहा है। ये लेफ्ट, ये एक्सेलरेटर, ये ब्रेक, बैक पोर्टल भी जाता है और इससे हम गियर चेंज करते हैं। फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, ब्रेक। तो कॉन्फ़िगरेशन एकदम मस्त है, ऐसा लगता है रियल टाइम में हम चला रहे हैं। तो गाइस अब हम गिर रहे हैं होराइजन को। तो चलिए देखते हैं मीडियम सेंसिटिविटी, मीडियम नहीं लो सेंसिटिविटी पे हम खेल के देखते हैं इसका टॉर्क कैसा आता है। देख सकते हैं लो सेंसिटिविटी पे रख दिया है, चलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं लो सेंसिटिविटी पे इसकी टॉर्क जो है बहुत कम हो रही है। हम मीडियम रखे, मीडियम या हाई रखे, तो जैसे कि आप देख सकते हल्के से ही करने से ये पूरा घूम जाता है।
अरे मेरे हाथ में क्या दिखता, राइड जाओ राइड जाओ करते निकालो गाड़ी को अभी नहीं लो पड़े रेगुलर कस्टमर नहीं है जी टी फाइव का। बस काट दो।